हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम में खास क्या है आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम ये कंपनी बिल्कुल नई है और अगर हम जीएसटी एक्टिवेट करते हैं तो कंपोजिशन डीलर के लिए हम कैसे जीएसटी सेट कर सकते हैं आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो पूरा का पूरा ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर F11 की प्रेस करनी है और जो हमारी कंपनी है उसी को सेलेक्ट करना है। तो इंडियन शॉप वाली कंपनी हमारी है नहीं, ये सेकंड वाली कंपनी है SBG स्टोर। अब यहाँ पर आपको जीएसटी नजर आता है तो यहाँ पर आप चले जाइए और यहाँ पर वाई बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही वाई प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका स्टेट जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो जो भी आपका स्टेट हो, जैसे मान लीजिए मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट कर रखा है। मान लीजिए आपका कुछ और होगा, मध्य प्रदेश होगा, तो यहाँ से मध्य प्रदेश की स्पेलिंग एम से शुरू होती है तो आप यहाँ एम प्रेस करेंगे तो यहाँ एम वाला जो भी स्टेट है वो हाईलाइट हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, यूपी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से यू प्रेस करते हैं तो उत्तराखंड और यूपी सेलेक्टेड है, देख सकते हैं यहाँ पर हाईलाइट है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके आप देखिए यहाँ पर ये कंपोजिशन है, रेगुलर नहीं है। तो यहाँ अब जैसे ही यहाँ पर आपने कंपोजिशन किया होगा तो ये इस तरीके से आएगा और बाकी आपको अब नीचे GSTIN फिल करना है। तो यहाँ पर ये GSTIN मैं फिल कर देता हूँ, देख सकते हैं ये हमारा GSTIN नंबर है। एंटर करेंगे, ठीक है, और एंटर करके फिर एंटर करके आएंगे नीचे। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट 1% दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट 1% आ रहा है, ठीक है। एडिशनल फीचर्स में ये दिया गया, अब आप एंटर करिए और यहाँ पर जो है टैक्सेबल वैल्यू ही आपको रखना है और यहाँ से यस कर दीजिए इसको, ठीक है। ई वे बिल को हम नो रखेंगे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे, फिर एंटर एंटर लास्ट तक आपको एंटर एंटर करना है। TCS को एक्टिवेट करना नहीं है इसलिए TCS को नो रखिएगा, एंटर करिए एंटर करिए। यहाँ पर इसको एन कर दीजिए और एन करके फिर यहाँ पर पेरोल को भी नो रखना है आपको, दैट्स व्हाई यहाँ पे एन लिख रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराना है और एक्सेप्ट कराने के बाद अब आते हैं हम एंट्री पास करते हैं परचेज में। देखते हैं कि कंपोजिशन डीलर वाला जो हमने सेटिंग करी थी अपने सिस्टम में वो क्लियर हो रहा है कि नहीं, सही से आ रहा है कि नहीं, अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अब आपको एंटर करना है, यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाल दीजिएगा जो आपके बिल पर है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा पार्टी का नाम, तो क्रेडिटर पार्टी का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर एक मनोज डीलर DELER और यहाँ पर जो है एंटर करके और यहाँ संडी क्रेडिटर ग्रुप रहेगा, ये तो आपको पता ही है। एंटर करके एंटर करिए, एंटर 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 करते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आता है परचेज का लेजर, तो यहाँ पे बस आपको परचेज का एक लेजर क्रिएट कर लेना है परचेज अकाउंट नाम से और यहाँ पे पी प्रेस कीजिएगा, परचेज का ग्रुप आ जाएगा, परचेज अकाउंट और एंटर करिएगा एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये काम हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बना रहा हूँ, फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल। तो ये हो गया, एंटर किया। इसका ग्रुप भी बना सकते हैं आप, इसका ग्रुप आप बना लीजिए ग्रोसरी का। क्या बनाएंगे, ग्रोसरी, क्योंकि ये किराना का सामान है, किराना स्टोर पर मिलता है, दैट्स व्हाई इसका ग्रुप हमने ग्रोसरी बना लिया है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहां पर बात करेंगे यूनिट्स की, तो जरा सोचिए रिफाइंड ऑयल किस में बिकेगा, किलो में, टन में, किस में बिकेगा, तो लीटर में बिकता है, जनरल सी बात है। तो यहाँ पे LTR कर सकते हैं, फॉर्मल नेम इसका लीटर कर देंगे, LITRE लीटर हो गया। एंटर करेंगे और यहाँ पे L प्रेस करेंगे तो किलो लीटर मिली लीटर आपको दिखाई पड़ेगा, ML कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मिली लीटर किलो लीटर, तो ये मिली लीटर ही रखते हैं इसको और यहाँ पे 3 कर देते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैचेस की डिटेल को चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं, तो बैचेस के लिए आप यस प्रेस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह के लिए भी आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट भी सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इन सबको छोड़ता हूँ और यहाँ पे जीएसटी की डिटेल को अगर आप अल्टर करना चाहें तो यहाँ से अल्टर कर सकते हैं, तो यस करके आप चाहे तो अल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्टर कर ही लेते हैं इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ सेट नहीं किया है। तो यहाँ पर एंटर करके आते हैं और यहाँ पर मैं बाई डिफॉल्ट इस पे 12% की जीएसटी रख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स सिर्फ अदर स्टेट पे लगता है और इंटीग्रेटेड टैक्स अगर अदर स्टेट पे आप लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में 12% का टैक्स हो जाएगा, जैसा कि हमारे सिस्टम में दिख रहा है 12%, तो इंटीग्रेटेड टैक्स सीधा 12% लग जाएगा। जबकि अगर सेम स्टेट का मामला होगा तो वहां पर CGST SGST हाफ हाफ करके लगेगा, यानी 6% 6%, ठीक है। तो एंटर करके इसे अब एक्सेप्ट कराइएगा और एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर आपको बैच की डिटेल डालनी होगी, ठीक है। हर बार अलग अलग होता है, क्वांटिटी कितनी है, तो यहाँ पर क्वांटिटी है 50 लीटर की, ठीक है। और रेट क्या रहा, तो ये खरीद रेट होगी, जो भी होगी ये क्या होगी, खरीद रेट। तो यहाँ पे खरीद रेट मैं डालता हूँ 100 रुपए लीटर, तो बेचेंगे तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, नीचे आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर अब जीएसटी लगाना है, तो जीएसटी के लिए लेजर्स भी क्रिएट करने होंगे, तो सेम स्टेट का मामला है, दैट्स वाई वी हैव टू क्रिएट CGST
एंड एसजीएसटी लेजर्स, तो सीजीएसटी लिखा हमने और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये नीचे आता है, ये देखिए नीचे नजर आएगा, तो ये जीएसटी कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये गुड्स ही है, ठीक है, आप चाहे तो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ भी कर सकते हैं, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। और यहाँ पर कितना परसेंट का सीजीएसटी लग रहा है, तो यहाँ पर मैं करूंगा 6% का सीजीएसटी। तो देखिए 6% का सीजीएसटी किया तो यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे एसजीएसटी करते हैं, तो ये एसजीएसटी हो गया, एंटर किया। फिर यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे अदर्स ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर करके नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको जीएसटी लगाना है और यहाँ पे बोथ कर देते हैं, चलिए आप सिंगल भी रख सकते हैं, एंटर करते हैं, फिर 6% इस पे भी लगेगा। तो ये दोनों कैलकुलेट कर लिया गया, देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो है कंपोजिशन जो डीलर होते हैं उनके लिए इस तरीके से एंट्री आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंपोजिशन एंट्री ऑफ गुड्स डाल देता हूँ नरेशन में, तो यहाँ पे कंपोजिशन एंट्री ऑफ गुड्स कर दिया है और इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो यहाँ पे बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद दो बार डी प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, अल्ट पी करते हैं, इसका प्रिंट आउट एक बार देखते हैं कि इसका प्रिंट आउट कैसा आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी लगा हुआ है 6% के हिसाब से, तो जो आपके बिल पे था वो जीएसटी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आई हुई कि ये कैसे करना है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे बैच नंबर भी नीचे आ रहा है। यहाँ पर एक और क्रिएटर पार्टी हम फिर से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इस बार क्रिएटर पार्टी बना रहा हूँ, यहाँ लेजर पे जाऊंगा गेटवे ऑफ टैली से, और यहाँ मोनो होलसेलर, होलसेलर SALER ये कर दिया, और इसका ग्रुप रहेगा संडे क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ से संडे क्रेडिटर कर दिया, अब एंटर करके आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोजिशन डालेंगे। ठीक है, तो ये कंपोजिशन कर दीजिएगा और बाकी यहाँ पर आपका जो GSTIN है उसे डाल दीजिएगा। ठीक है, GSTIN नंबर ही डालना है आपको, तो जो भी आपका GSTIN होता हो उसे डाल दीजिएगा। तो ये बन गया है और अब हमें आना है कहाँ, वाउचर में, और फिर एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। अब परचेस करने के बाद इसे सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर आएगा मोनो होलसेलर। ठीक है, ये आ गया, एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पर जो है GSTIN आपका ही रहा है, यहाँ पर आ गया परचेज अकाउंट का लेजर लगा दिया। अब यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल ही है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो बैच नंबर आएगा, तो जो भी आपका बैच नंबर हो, जैसे मान लीजिए मैंने यही बनाया हुआ है, अब इसमें आप चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चलिए इसी को रख देते हैं। और यहाँ पे 50 क्वांटिटी कर लेते हैं, 100 रुपए लीटर के ही हिसाब से चलेगा, जैसा कि अभी आपने देखा था। अब यहाँ पर बात करते हैं जीएसटी की, तो यहाँ पे देखिए सीजीएसटी लगाया, तो यहाँ देखिए सीजीएसटी यहाँ पर आकर के आपको देना होगा, यहाँ पे 6% का सीजीएसटी देते हैं, तो ये 6% का दे दिया। और फिर यहाँ पे देखिए एंटर करेंगे, नीचे आएंगे एसजीएसटी करेंगे, तो यहाँ पे 6% का एसजीएसटी दे दिया, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे नरेशन डाल करके एंटर करवा लीजिएगा, बस यही करना है आपको। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, और अगर इसको लेकर के अगर आपका कोई सवाल हो, जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं तो सवाल भी पूछते हैं, तो मैं उनके सवालों का भी जवाब देता हूं। ठीक है, टाइम थोड़ा लग सकता है वीडियो बना करके, या फिर कमेंट बॉक्स में भी सवालों का जवाब मैं देता हूं, तो ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दूंगा, जवाब दूंगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अगर कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।